नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज और आप देख रहे हो स्टडी ऐप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सितंबर माह की 5 सबसे बड़ी नौकरियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इससे होगा कि जैसे ही मैं लेटेस्ट अपडेट यानी कोई भी नई जॉब आएगी तो सबसे पहले हमारा चैनल आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, सितंबर माह की 5 सबसे बड़ी नौकरियों के बारे में बताई देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर वाइज मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको क्रोम पर ले सकता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पर, और वहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वेबसाइट की तरफ आ चुके हैं, देख सकते हो आप ITBP रिक्रूटमेंट फॉर 4015 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल असिस्टेंट कमांडेंट एंड अदर वैकेंसीज। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो पूरी जानकारी ITBP रिक्रूटमेंट फॉर 15 असिस्टेंट सब वैकेंसी। दोस्तों, आप विस्तृत जानकारी बाद में देख सकते हो, अभी मैं आपको देख साथ बता देता हूँ जो हाईलाइट्स वाली चीज़ें हैं वही दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो पोस्ट सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टोटल पोस्ट 15 हैं। एज लिमिट एज पर रूल दोस्तों अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं। एग्जाम फीस है जो 100 फॉर जनरल एंड OBC। लास्ट डेट 25 सितंबर 2018। सैलरी दोस्तों देख सकते हो 29,092,300 पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, एप्लीकेशन ऑनलाइन और दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से थी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थी। उसके बाद दोस्तों, ये देख सकते हो कि जो पूरी जानकारी है मैंने दे दी है, हाउ टू अप्लाई वगैरह। दोस्तों, आप विस्तृत जानकारी पूरी देख सकते हो बाद में। तो वहाँ पर अब अगले देखते हैं। तो दोस्तों, ITBP रिक्रूटमेंट फॉर 390 सब इंस्पेक्टर एड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वैकेंसी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट जो हैं सब इंस्पेक्टर एड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल पूरी मिलाकर हैं दोस्तों 390 पोस्ट। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो है 12th BTech डिग्री दोस्तों होनी चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट नहीं बताई गई यहाँ पर, लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2018 है। दोस्तों, सैलरी है वो 21,000 से 1,24,000 तक भी हो सकती हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। एप्लीकेशन मोड दोस्तों ये हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर दी गई है, ये सारे मैं लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी पा सकते हो। तो दोस्तों, इस चीज़ में मैंने अभी यहाँ तक बता दिया है। दोस्तों, पूरी जानकारी भी यहाँ पर ली हुई है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बता देता हूँ लास्ट चेंज जो है ITBP रिक्रूटमेंट के लिए, वो 10 असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी है दोस्तों। तो उसके लिए डिपार्टमेंट है जो है इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट 10 पोस्ट हैं दोस्तों। बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होने चाहिए। नो फीस है। 11 सितंबर 2018 लास्ट डेट है और 56,000 से 1,77,000 भी सैलरी हो सकती है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है और नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहां पर दी हुई है, पूरी जानकारी वीडियो में बाद में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको, तो यहाँ पर दोस्तों अगली नौकरी है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर 45 जूनियर टेक्निकल एसोसिएट स्पोर्ट्स कोटा एंड अदर वैकेंसी। तो दोस्तों, नीचे की ओर चलते हैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 24 जूनियर असिस्टेंट एसोसिएट एंड सीनियर टेक्निकल। तो दोस्तों, जूनियर एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट के लिए 24 पद हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, पोस्ट चेंज ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट एंड सीनियर टेक्निकल एसोसिएट। तो दोस्तों, 24 पोस्ट है, पूरी BTech और डिप्लोमा होना चाहिए और 18 वर्ष से 35 वर्ष वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम फीस है 500 जनरल और OBC के लिए हैं और 250 ST और SC के लिए हैं। तो दोस्तों, जो SC ST माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी 250 रुपये। लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2018। जॉब लोकेशन जयपुर राजस्थान है और ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी लिंक में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगली देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको अगली हैं जो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर 21
स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज। तो डिपार्टमेंट है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है स्पोर्ट्स कोटा। एलिजिबिलिटी है तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 18 से 25 ईयर्स हो सकते हैं आपके बीच में, और 500 फीस है वो जनरल के लिए और 250 SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। लास्ट डेट 20 अगस्त है, 20 अगस्त थी दोस्तों, ये बीत चुकी है दोस्तों, ये नहीं होगी, सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों अगली देखते हैं, ये हम पर SSCs GD कॉन्स्टेबल की जानकारी पाते हैं दोस्तों। SSC कॉन्स्टेबल GD 2018 न्यू ग्रेड फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर 54,993 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों नीचे चलते हैं नीचे की ओर, तो देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट कॉन्स्टेबल्स GD कॉन्स्टेबल्स और NIA SSF राइफलमैन इन असम रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन 2-10 पास एबिलिटी होनी चाहिए और 18 से 23 1 अगस्त तक होनी चाहिए। एग्ज़ाम फी है वो 100 रुपये पर जनरल कैंडिडेट जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई डेट है 17 अगस्त से 17 सितंबर, अभी ये चल रही है दोस्तों, चल रही है तो ये भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट अभी 17 अक्टूबर 2018 बताई जा रही है। सैलरी है वो 21,769 भी हो सकती है। ऑल इंडिया लोकेशन है और उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये थी SSC GD के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली पोस्ट आएगी वो UPSC की है, पूरी जानकारी देख लेते हैं UPSC में क्या है। तो दोस्तों ये खुल चुके हैं, जैसा कि आपको UPSC डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम 2 नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर CDSC 2। तो दोस्तों यहाँ पर खुल चुका है UPSC जो है वो डिफेंस सर्विसेज एकेडमी। तो उसके लिए देख सकते हो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट है जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, कमीशन ऑफिसर 414 पोस्ट है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, RS 200 फॉर जनरल OBC कैंडिडेट्स ऑल इंडिया, और 3 सितंबर, मात्र 3 सितंबर है दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपके जो आप अप्लाई कर लीजिए आज कल में कर लीजिए, और जो 18 नवंबर 2018 है जो एग्ज़ाम डेट हुए। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स होने चाहिए, नोटिफिकेशन दोस्तों ये और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों ये थी UPSC के बारे में जानकारी, अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मिलता है हमें IPBS PO के बारे में दोस्तों मिल जाता है, तो वहाँ जाकर अभी हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों IPBS के देख सकते हो डिपार्टमेंट, दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पोस्ट है जो दोस्तों ये देख सकते हो आप, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज, वैकेंसी 4102 पोस्ट से पद हैं, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ऑल इंडिया है, 4 सितंबर 2018 लास्ट डेट है, तो आज कल में ये भी आप कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट है जो प्रीमियरली वो हैं 13, 14, 20 और 21 अक्टूबर। एग्ज़ाम डेट मेन है 18 नवंबर 2018। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2019 तक मिल जाएगा दोस्तों, और एज लिमिट बिटवीन 20 to 30, और ऑफिशियल वेबसाइट ये नहीं। तो दोस्तों IPBS के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, अब बात करते हैं सितंबर की लास्ट सबसे बड़ी नौकरी SSB के बारे में। तो दोस्तों SSB के बारे में भी आप पूरी जानकारी मेरे यहाँ पर मिल जाएगी, 181 पद है SI एंड एन कॉन्स्टेबल वैकेंसी को मिलाकर। तो हम नीचे चलते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 181 पद दिए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट है वह सशस्त्र सीमा बल SSB, पोस्ट देख सकते हैं SI SI एंड ST को, एड कॉन्स्टेबल 181 पद टोटल है, 12th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 20-21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम, एज लिमिट और एग्ज़ाम फी हैं वो 100 रुपये जनरल OBC के लिए हैं, लास्ट डेट 10 सितंबर है दोस्तों, अभी दिन पड़े हैं बाकी खासे, 35,000 और SI के लिए 35,000 हैं, 29,000 फॉर ASI है और 25,000 फॉर हेड कॉन्स्टेबल हैं,
और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों, तो कहीं भी से भी हो आप कर दीजिए। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, पूरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो दोस्तों टोटल एक्सपीरियंस पदे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपको जिसकी भी नौकरी में जाना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।